क्योंकि मुझे भूख लगी है, नाश्ता चाहिए। दीदी नाश्ता, दीदी नाश्ता, दीदी नाश्ता, दीदी नाश्ता, दीदी नाश्ता। आ रही हूँ, रावण की तरह मेरे 10 हाथ नहीं है। तब तक अखबार पढ़ो। जब से तेरे जीजा जी लंदन गए हैं, मुझे खुशी हो गई है। क्या कहा तूने? मुझे खुशी हो गई, पेट्रोल के भाव 19 से 25 हो गए। लगता है तेरे दिमाग का फ्यूज गया है। पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और तू खुश हो रहा है? पॉजिटिव थिंकिंग दीदी, पॉजिटिव थिंकिंग। अखंडानंद स्वामी 1008 ने तो यही कहा था। क्या कहा था? यही कहा था कि अगर आदमी के पैर कट गए तो खुश होना चाहिए क्योंकि हाथ बच गए, अगर हाथ कट गए तो खुश होना चाहिए क्योंकि सर बच गया, और अगर सर कट गया तो खुश होना चाहिए कि झंझट खत्म। करेक्ट, मैं यही तो कहना चाहता हूँ देशवासियों, अगर पेट्रोल के भाव 19 से 25 हो गए तो क्या हुआ, हमें खुशियां मनानी चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 25 ही हुआ है, 50 नहीं हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग। हे अखंडानंद स्वामी 1008। अरे गुल्लू, ये तेरा अखंडानंद स्वामी पुराण बंद कर और नाश्ता कर। आलू के पराठे, आज उनकी बहुत याद आ रही थी। अच्छा, इसलिए बनाए। गुल्लू अभी 15 दिन बाकी है उनके आने को, कैसे कटेंगे वो दिन? पीटी उषा, पीटी दीदी, पीटी। क्या मैं पीटी करूँ उनकी याद में? पॉजिटिव थिंकिंग दीदी, पॉजिटिव थिंकिंग। सिर्फ 15 दिन बाकी है, 35 दिन नहीं। तू नाश्ता कर। हाँ, ये आलू के पराठे, इसमें आलू ही नहीं है। पॉजिटिव कुकिंग गुल्लू, पॉजिटिव कुकिंग। अरे तू आलू को रो रहा है। गुल्लू खुशियाँ मना, पटाखे फोड़, मिठाइयाँ बांट के पराठे तो है। ठीक है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, जरा कार की चाबी देना। कार की चाबी नहीं मिलेगी, पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं। अगर तूने कार की चाबी नहीं दी तो अपनी भाभी का मुंह कभी नहीं देख सकोगी। कार की चाबी का मेरी भाभी से क्या संबंध? वही जो पॉलिटिक का पेट्रोल के साथ है। पॉलिटिशियन जैसी बात मत कर, साफ साफ बता। क्या है दीदी, मैं हमेशा उसे अपने जीजाजी की कार से लिप देता हूँ, इसलिए उसी ने भी मुझे अपने दिल में लिप दे दिया। चाबी देना। नहीं प्लीज दीदी, नहीं NO दीदी प्लीज, मैं तेरे पाँव पर ना कहा ना दीदी, अगर तूने चाबी नहीं दी ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। उसके दिल का ताला मेरे कार के चाबी से ही खुलता है दीदी, प्लीज। पहले घर का दरवाजा खोल, जा। मैं नहीं खोलूंगा। ओ गुल्लू, चाबी दो ना। नमस्ते। मैं नहीं, हम साबुन इस्तेमाल नहीं करते। नहीं नहीं, मैं तो जब से पेट्रोल के भाव बढ़ गए हम शैम्पू साबुन तेल कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं आपके पड़ोस में अभी अभी रहने आई हूँ। ओह कम इन प्लीज। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना, बैठिए ना प्लीज। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे बैठना नहीं है। आपके पास चीनी है? चीनी नहीं, हमारे घर में सब हिंदुस्तानी है। मेरा मतलब है शक्कर। एक्चुअली हमारे घर में शक्कर खत्म हो गई है और मैं 10 मिनट बाद कॉलेज जाने वाली हूँ। काफी देर तक बस स्टॉप पर खड़ी रही और चाय की तरफ लगी तो वापस आ गई। क्यों नहीं गुल्लू, एक कटोरी शक्कर लेके आ। नहीं नहीं, आप यहाँ क्यों नहीं चाय पीती, हमारी दीदी बहुत अच्छा चाय बनाती है ना दीदी। नहीं नहीं, आप मुझे सिर्फ शक्कर दे दीजिए, मेरी मम्मी को भी चाय पीनी है। हाँ ऑफ कोर्स, गुल्लू जा। नहीं नहीं दीदी, तू जाना प्लीज। गुल्लू प्लीज जल्दी से कार लेके आओ, नहीं तो मेरा पहला लेक्चर छूट जाएगा। एक कटोरी बस है। हाँ जी जी बस है। देखो मैं जा रही हूँ, 10 मिनट बाद निकलूंगी। लेकिन दूसरे के साथ नहीं जाना, अगर तू कहीं और की हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कहीं का नहीं रहूंगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदी डायलॉग। गुल्लू तूने इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदी लाइन कहाँ पढ़ी? वो मैं ट्रांसलेट करके बता रहा था। अच्छा? तू किसी और की हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, भीख के मांगते घूमूंगा। आपकी शक्कर वाकई बहुत मीठी है। अब मैं चलती हूँ। अच्छा बाय बाय बाय। Has come there before. कितनी अच्छी लड़की है, अच्छी है। पहली बार आई और सिर्फ एक कटोरी शक्कर लेके गई। गई ना, गई। आ गई, आ गई।
मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे बुखार आ रहा है, लगता है मेरे सर पर मलेरिया हो गया। तू चाबी दे, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। मैं साफ जानती हूँ कौन से डॉक्टर के पास जाना है और कौन है वो लड़की जिसने मेरे भाई को ड्राइवर बना दिया है। ड्राइवर दीदी, मुझे लेट हो रहा है, चाबी दो। कुल्लू एक बात सुन ले, मेरे पास फालतू पेट्रोल जलाने के पैसे नहीं है। देखो, नहीं है तो नहीं है। अरे यहाँ मेरा खून जल रहा है और तुझे पेट्रोल की पड़ी है। मैं आई एम सॉरी। कुल्लू कौन है वो लड़की, कैसी है? अच्छी है, मीठी है। अच्छा, कहाँ रहती है? या अपना वो मेरे दिल में रहती है। दिल में? अरे गुल्लू, ये तेरा दिल है या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है? हा? ये 25वीं लड़की है जिसने तेरे दिल में फ्लैट बुक कर दिया है। साफ साफ बता कहाँ रहती है वो। रहती कहाँ मालूम नहीं, लेकिन नहीं यहाँ। अरे तुम तो कॉलेज जा रही थी। मैं जाने ही वाली थी। आपकी शक्कर, तुम्हारे पास तो शक्कर नहीं थी ना? हाँ। मैंने सोचा आपको कोई शक्कर कम ना पड़ जाए, इसलिए सुशील के घर से लेकर आई। सुशील ये तो कौन है ये सुशील? बड़ा सोशल लड़का है। अच्छा। और उसके पास में CLO भी है। हाँ। हमारा पड़ोसी है। लेकिन अच्छा? आप हमारे पड़ोसी हैं। आप इधर के पड़ोसी हैं और वो उधर के पड़ोसियों के पड़ोसी हैं। मैं उनको नोटिस दे दूंगा। अरे तुम्हारा नाम क्या है? नेहा। मीठा है? थैंक यू। शक्कर मीठा है, नाम नहीं। नेहा मेरी है, नेहा सुशील की है। 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 नेहा मेरी है, नेहा। तो नेहा वो चीटी है जो कार के गुड़ के पीछे पड़ी है। हाँ दीदी, इसलिए बोलता हूँ जल्दी चाबी दे दो, नहीं तो वो सुशील उसे फुर करके लेके जाएगा। दीदी हेलो एवरीबॉडी। हेलो, हाय। ए हेलो, आप कौन है भाई? मैं हूँ सुशील कुमार। हाँ CLO वाला। CLO वाला तू है सुशील कुमार? निकल जा मेरे घर से, निकल जाने तो फोड़ डालूंगा। डाउन, कंट्रोल योरसेल्फ। काहे के लिए आए? अच्छा तो आप चीनी मांगने आए हो? मैं कुछ मांगने नहीं है? देने आया हूँ। पेट्रोल? दरअसल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। हाँ। मैंने सोचा आपके इस गरीब भाई को पड़ोस की लड़कियों को लिफ्ट देने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ। गुल्लू भाई चिंता मत करो, लो रख लो। लो लो। दरअसल हम हमेशा अलग से पेट्रोल निकालते हैं गरीबों के लिए। गरीबों के लिए कितना गरीब? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे चुल्लू पर पेट्रोल में डुबा डुबा के मारूंगा। पागल हो गया क्या गुल्लू? ऐसा कुछ कर कि नेहा तुम्हारे पैरों में आके गिरे। हाँ। और प्यार की भीख मांगे। हाँ दीदी, मैं ऐसा ही कुछ करूंगा। मैं हथेले पे सरसों उगा दूंगा, शेर को घास खिला दूंगा। इधर उधर की हाँकना बंद कर, ले पानी पी। पानी? पानी? यूरेका, यूरेका। दो लीटर हो गया, अभी गाड़ी चलेगी। गुल्लू आ गया। गुल्लू नेहा आई है। उसे भेज दो उसे। नेहा, दिस इज माय नेहा। तू ये सब क्या कर रहा है? मैं पानी पे गाड़ी चलाने का महान प्रयोग कर रहा हूँ। तू पगला गया है क्या? क्यों? कोई गाड़ी पानी से चलाता है? दीदी यही तो है ना, दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट ने पानी की शक्ति को समझा नहीं, लेकिन मैंने समझा है। अरे हम पानी की वजह से जीते हैं। जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े पानी की वजह से तो जीते हैं। हाँ? अरे तू तो कितनी सियानी सियानी बातें कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई लोकल आइंस्टाइन की सेमिनार में बैठ के उसकी थीसिस सुन रही हूँ। देख गुल्लू, तेरा ये एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो गया, सुपर फ्लॉप। क्यों? अरे ना ही गाड़ी कभी पानी से चली है, ना ही कभी चलने वाली है। दीदी
कन खजूरे की एक टांग टूट जाए तो लंगड़ा नहीं हो जाता। लेकिन तो क्या करने जा रहा है? वो करने के बाद मालूम हो जाएगा। पर गुल्लू पग। हाय राम, ये कहीं सुशील का मर्डर तो नहीं करने जा रहे? मैं निकाल के रहूंगा। अरे गुल्लू ये क्या कर रहा है? अरे गुल्लू अपने गार्डन को बंगाल की खाड़ी क्यों बना रहा है? दीदी पेट्रोल महंगा हुआ इसलिए तूने मुझे गाड़ी नहीं दी क्या? मैं इस आंगन से पेट्रोल निकालूंगा और गाड़ी चलाऊंगा। तू यहाँ से पेट्रोल निकालेगा? हाँ दीदी, मैंने छठी क्लास में हिस्ट्री के किताब में पढ़ा था, भारत एक सोने की चिड़िया का देश है, उसमें खनिज पदार्थों का भंडार है और मुझे विश्वास है मैं यहाँ से सोने की चिड़िया निकालेगा। हाँ। अरे गुल्लू पेट्रोल अपने देश से नहीं निकलता, खाड़ी देश से निकलता है। दीदी ये विदेशी लोगों की साजिश है समझा, उनका पेट्रोल पेट्रोल और हमारा पेट्रोल पानी, मैं पेट्रोल निकाल के ही रहूंगा। अच्छा। अरे गुल्लू मेरा लोन। पेट्रोल ये क्या कर रहा है? पेट्रोल, अरे पेट्रोल पेट्रोल। गुल्लू, हेलो गुल्लू जी। नमस्ते दीदी। हेलो हेलो ना, मुझे मालूम था मेरा ये मान कार्य देखने तुम जरूर आओगी। गुल्लू प्लीज। चीनी कम पड़ गई क्या? नहीं, हम आपके गार्डन में घूम रहे थे, सोचा आपसे हेलो हाय करते चले। हेलो गुल्लू। ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। गुल्लू तुम क्या जमीन में छेद कर रहे थे? नहीं डार्लिंग, ये तो माली के पैसे बचा रहा था, गरीब है ना बेचारा। चुप, मैं पेट्रोल निकाल रहा था। चलो डार्लिंग, वी आर वेस्टिंग टाइम। अच्छा दीदी हम चलते हैं। अगर जमीन में से पेट्रोल निकल आए तो हमें मोबाइल पे फोन करके बता दीजिएगा। अरे डार्लिंग फूल, गुल्लू फूल, फूल ले लो। जरूर लेना, और मेरी तरफ से तुम्हारे इस बहन को दे देना। बहन होगी तेरी। अबे तेरी बहन होगी। जाने देना गुल्लू, क्या कर रहा है तू गुल्लू? तूने बचाया उसको मालूम है? तूने गड्ढे गाड़ दिए था उसको। आई अंडरस्टैंड। अरे नहीं गुल्लू, अरे 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 गुल्लू पेट्रोल आना ही चाहिए। गुल्लू पेट्रोल, पेट्रोल आ गया, पेट्रोल आ गया। तुमको पहले पता चला पेट्रोल है? पानी भी हो सकता है ना? आस नहीं आ रही थे पेट्रोल की। अरे पानी में से भी पेट्रोल की बात आ सकती है कि नहीं? अरे अभी पेट्रोल का पेट्रोल, पानी का पानी हो जाएगा। देखा देखा, पेट्रोल है इसलिए जल रहा है। बाबूजी ने कहा था पानी कभी नहीं जलता। चल पेट्रोल के भाव फिक्स करेंगे। देखा ना दीदी? वाओ गुल्लू वाओ, तूने तो पेट्रोल का कुआं खोद दिया। अरे ना कभी किसी ने सुना होगा ना देखा होगा ऐसा। फिर क्या, तुझे पहले ही बोला था छोटे मोटे काम करने के लिए मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँ। लेकिन इतने सारे पेट्रोल का हम क्या करेंगे? एक काम करेंगे, जीजाजी की कार के टाके फुल करके मिठीबा कॉलेज को राउंड मारते रहेंगे। हम ये पेट्रोल बेचेंगे। अच्छा तो पेट्रोल पंप निकालेंगे? पेट्रोल पंप तो छोटे लोग खोलते हैं। हाँ। हम पेट्रोल वेल खोलेंगे। पेट्रोल वेल, और नेहा को दिखा देंगे। क्या समझती है अपने आप को? बॉयफ्रेंड तो ऐसे चेंज करती है जैसे ड्राइवर गियर चेंज करते रहता है। भूल जाओ नेहा को, वैसी तो चवन्नी के 50 मिल जाएंगे। गुल्लू छोटे लोग हैं ना, रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, हम दिनों दिन अरबपति बन जाएंगे। तो क्या हम पेट्रोल विदेश में बेचेंगे? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, हम गरीब जनता की सेवा करेंगे। हम पेट्रोल पकौड़े के भाव बेचेंगे। पकौड़े के भाव, यानी 5 रुपए प्लेट? पकौड़े 5 रुपया प्लेट मिलते हैं, वो भी रामबरोशी होटल में। तो हम पेट्रोल 2 रुपया प्लेट बेचेंगे। 2 रुपया प्लेट नहीं दीदी, 2 रुपया बाल्टी। तो आज से पेट्रोल का भाव 2 रुपया बाल्टी। हेलो चंपा, आज पेट्रोल का भाव क्या मालूम है? 2 रुपया प्रति बाल्टी। तुम इना मीना डिका चिका सबको भेज दो जल्दी। हाँ मैं लाइन में हूँ। ओके चालू हो गया, चालू हो गया दीदी। जल्दी कर, बहुत गंदी स्मेल है। लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। अरे लाइन में खड़े रहो यार, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो, सबको पेट्रोल मिलेगा। हेलो मिस्टर जॉनसन, आई कैन कम टुडे? नहीं हेलो, मैं कल की फ्लाइट पकड़ के पहले डेनमार्क जाऊंगा, फिर वहाँ से अमेरिका जाऊंगा। ओ मोबाइल वाले, चिल्लम चाली मत करना, पेट्रोल नहीं मिलेगा। हेलो बाद में करता फोन। चलो 2 रुपए।
2 रुपया लो कहा गए पैसे चेंज नहीं है क्या नहीं चेंज नहीं है यू कीप द चेंज अरे नहीं मारूंगी क्या हमको भिखारी समझ के रखा है क्या नहीं 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 मेरे भाई का कुआ है पेट्रोल का तुम ये रख लो गिफ्ट हमारी तरफ से जाओ चलो नेक्स्ट 50 पैसे का पेट्रोल दो 50 पैसे का पेट्रोल हम नहीं देते क्यों नहीं देते जितना चाहिए उतना ही लेंगे हाँ लेकिन इतना बास हो गया आपको बहुत होगा ये तो मुझे 2 महीना चलेगा 2 महीना ये तो मेरा पेट्रोल का बिल बंद करना चाहता है इसका क्या करूं दीदी अरे दे दो उसको पेट्रोल जला दे उसका लाइटर अच्छा ये लो सर ये लीजिए 50 पैसे अरे रख दे अपने पास हम अपनी एडवर्टाइज समझेंगे ये अरे भिखारी समझ कर रखा है क्या एक अच्छे खासे नए लाइटर का मालिक हूँ मैं मालिक लाइट नहीं भाई साहब लाइटर लेके घूम रहा है जैसे कि ताजमहल लेके घूम रहा है हेलो क्या 5 टैंकर पेट्रोलियम चाहिए नहीं 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 बोलना सॉरी हम पेट्रोल पंप को सप्लाई नहीं करते हैं क्या आपके यहाँ सप्लाई कम हो रहा है उसमें हम क्या कर सकते हैं देखिए भैया हम तो समाज सेवा कर रहे हैं इसमें रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं देखिए हम है ना बहुत सारी ब्रांचेस खोलने वाले हैं हाँ गुल्लू पेट्रोलियम के नाम से आप टेंडर भर दीजिए ओके बाय गुल्लू जाइए वैसे ये आइडिया अच्छे है हाँ, पेट्रोल सप्लाई हम समाज सेवा कर रहे हैं तो समाज सेवा आप जाइए लंच के बाद आइए लंच के बाद नेहा लड़की मेरे पैर छोड़ गुल्लू जी मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपको बहुत देर से पहचाना देखो अपने गंदे हाथ से मेरी पैंट खराब मत करना छोड़ खड़े हो जा गुल्लू जी प्लीज मेरे साथ ऐसा सुलूक मत कीजिए मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ आपकी पूजा करने लगी हूँ क्यों नहीं पूजा करोगी मेरे आंगन में पेट्रोल जो निकला गुल्लू ये कौन लड़की है जिसने अभी अभी तुम्हारे अमेरिका से मंगवाए हुए चप्पल खराब कर दिए इसे कहीं देखा है अरे ये वही है जो कटोरी लेके आई थी चीनी मांगने दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना मैं सुशील को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लूंगी आप मुझे अपनी भाभी बना लीजिए ना गुल्लू जी प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए ना मैं कसम से आपके कुएं की कसम मैं आपके बिना नहीं रह सकती मैं शादी और तुझसे कभी नहीं तू शादी करेगी मेरे भाई से हमने अभी अभी मैडोना का रिश्ता भी ठुकरा दिया था कभी दीदी छप्पर फाड़ के देने वाले ने हमें धरती फाड़ के इतना सारा रुपया दे दिया तो ये हो गया 7421 रुपया 8 रेट बढ़ा देंगे क्या अरे नहीं गुल्लू कस्टमर्स नाराज हो जाएंगे घर में कोई है देखो भाई साहब पेट्रोल भेजने का टाइम खत्म हो गया कल सुबह आ जाना मुझे पेट्रोल नहीं चाहिए मैं सरकारी आदमी हूँ सरकारी आदमी सरकारी आप सरकारी आदमी हाँ मैं दिल्ली से आया हूँ नमस्कार हम मुंबई वाले आपका स्वागत करते हैं बोलिए क्या चाहिए आपको सरकार उस आदमी का सम्मान करना चाहती है जिसने ये कुआ खोदा है ये कुआ आपने खोदा है मैंने हाँ क्या मैंने मैंने खोदा है आपने हाँ लगता नहीं है आपके कहने का मतलब क्या है ये दो हाथों से मैंने कुआं खोदा है हाँ अच्छा हाँ तो ये आपको ये आइडिया किसने दिया नहीं नहीं मैंने नहीं 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 इन्होंने नहीं दिया क्या हुआ मालूम है ये देखो ये 6ठी क्लास की किताब है इससे मैं इंस्पायर हो गया इसमें लिखा ना ये देखो भारत खनिज पदार्थों का भंडार है घर जाके पड़ी और ये देखो यही वो महान खुदा है जिसे मैंने खोदा ये वो सम्मान यहाँ पे है या दिल्ली में ऑफ कोर्स दिल्ली में होगा ना दिल्ली में गुल्लू लगता है 15 अगस्त को लाल किले के सामने तुम्हें हाथी पे बिठाएंगे हाथी नहीं मिला तो दीदा जी को ले जाएंगे आप इस करके मालिक हैं नहीं मैं अरे नहीं वो तो लंदन में है अच्छा तो ये रैकेट लंदन तक पहुंचा है रैकेट रैकेट से खेलना छोड़ दो सम्मान कब है बोलो हाथ आगे बढ़ाओ हाथ आगे ये लो तुम सम्मान पत्र यहीं दे दोगे नहीं दीदी ये फोटो निकालना चाहते हैं हाथों का फोटोग्राफर फोटोग्राफर ये टीवी पे दिखाएंगे ना सलमान जरूर दिखाएंगे लंदन में जाएगा क्या प्रोग्राम है ये प्रोग्राम लंदन ये क्या कर रहे हो अरे मैंने क्या किया
तूने कुदाल मार के सरकारी पेट्रोल पाइपलाइन तोड़ा।